वेलकम बैक क्लास एट एसएसटी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा। हमने लैंड के बारे में पढ़ा, सॉइल के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाटर के बारे में। वाटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। वॉटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब देखिए, हम सब जानते हैं पानी कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। H2O इज द साइंटिफिक नेम फॉर वॉटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर ये बनता है, ठीक है। अब देखिए, अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां पर वॉटर अवेलेबल है, इसीलिए हम इसको वॉटर प्लैनेट भी बोलते हैं या फिर ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। वाटर प्लैनेट इसलिए क्योंकि यहाँ पर पानी अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है। और ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जब आसमान से स्पेस से हम अर्थ की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से ब्लू दिखाई देता है, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अर्थ पर टोटल 75% पानी है, ठीक है, और 25% अप्रोक्सीमेटली लैंड है, ठीक है। इसमें से ओनली 1% ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर, ठीक है, या फिर 2% मान लीजिए इसको, आपके डायग्राम में 2 दे रखा है, ठीक है। 2% ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर, बाकी 98% वाटर इज ओशनिक वाटर, जो कि खारा है, जो कि यूज के लायक नहीं है। अब ये जो 2% वाटर है, ये भी बहुत सारी चीजों में डिवाइड किया हुआ है। देखिए, इसका कुछ पार्ट ग्राउंड में है, ग्राउंड वाटर, कुछ पार्ट इसका है हमारी रिवर्स और लेक्स में, और कुछ पार्ट हमारे इसका बना हुआ है आइस, मतलब जो हमारे ग्लेशियर्स है, ठीक है। और ओशनिक वाटर तो सिंपली ओशन में है ही, ठीक है। 87% ऑफ 12% तो ग्राउंड लेवल पे है, 1% लेक्स में है और 87% हमारा बना हुआ है आइस, ठीक है। ये हमारा डेटा है। अब देखिए, वाटर की एक साइकिल है, वाटर साइकिल है, जिसकी वजह से ये फ्रेश वाटर क्रिएट होता रहता है बार बार, ठीक है, रिसाइकिल होता रहता है, क्रिएट नहीं रिसाइकिल होता रहता है। पानी वापस नहीं मिल सकता, जितना है वही रहेगा, बस वही हमें वापस वापस मिलता रहता है। हमने पूरा वाटर साइकिल बचपन से पढ़ा है, हर क्लास में हमें सेम वाटर साइकिल पढ़ाया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको जल्दी से। ये हमारा ओशन, यहां से होगा हमारा इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होकर यहां पर बनेंगे बादल, बादल विंड के साथ मूव करेंगे और ये हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है। जब बादल यहां मूव करेंगे होगा कंडेंसेशन, कूलिंग ऑफ क्लाउड्स, कूलिंग होने के बाद ये किसी भी वजह से या तो यहां टकराएंगे या घूम जाएंगे और यहां से होगा प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन या तो स्नो की फॉर्म में या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, या तो स्नो की तरह गिरेगा या फिर बूंदों की तरह, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहां पानी इकट्ठा हो रहा, अभी पानी कहां जाएगा, ग्राउंड में अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे, परकोलेशन, परकोलेशन मतलब किसी पानी का जॉब होकर ग्राउंड लेवल पे जाना। अब ये ग्राउंड वाटर हो गया, ठीक है, यहां पर ग्राउंड वाटर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ग्राउंड वाटर। और ये आगे जाकर के कहां मिलेगा, समुद्र में मिलता रहेगा या फिर
उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद या तो वो रिवर्स के तौर पे वापस से समुद्र में जाके निकलता है, या फिर कुछ पानी अंदर ग्राउंड में चल जाता है परफोरेशन के थ्रू और ग्राउंड वाटर बनाता है। ये हमारा हो गया पूरा वाटर एंड वाटर साइकिल। आप देखिए हमें पता है वाटर कितना इम्पोर्टेंट है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। पानी के बिना कुछ नहीं है, पार्क फॉर लाइफ पॉसिबल है सन वाटर एंड एयर की वजह से। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स गेट टू द डेटा। थोड़ा सा डेटा देखते हैं कि किस तरह से बताया गया है वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वी नो दैट वाटर कवर्स 71% ऑफ अर्थ। 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, जिसमें से 97.3% वाटर क्या है, सॉल्ट वाटर मतलब ओशन का वाटर है। पीने लायक है, कम मिलने लायक नहीं है, मतलब सिर्फ यहाँ से बादल बन करके हमारे पास आएंगे, वहां सॉल्ट नहीं उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, सिर्फ इसलिए काम में आ रहा है हमारा ओशन। ठीक है, और बाकी का कुछ फ्रेश वाटर या तो ग्राउंड में है या रिवर्स या लेक्स में या फिर आइस बना हुआ है, जिसमें से ज्यादा नेचर ओशन 87% तो फ्रेश वाटर का 87% क्या बना हुआ है, आइस बना हुआ है। ठीक है, इट इज ऑल्सो ऑफ नो यूज, मतलब कुछ ज्यादा यूज में नहीं आ रहा है। यहाँ से पिघल करके कभी जो रिवर्स बन रही है बस वही काम कर रहा है, तो हमारे पास जो फ्रेश वाटर बच रहा है 1% उसका भी काफी सारा हिस्सा आइस बना हुआ है। तो हमारे पास बचता कितना सा पानी है उसको भी हम वेस्ट कर देते हैं, नल बह रहे हैं, बाल्टियों से भर भर बाल्टियों से लोग नहा रहे हैं, पेड़ों में ऐसे ही बेहतर तरीके से पानी लिया जा रहा है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पानी लिया जा रहा है, एनिमल्स को जबरदस्ती गिलाया जा रहा है, खुद भी दिन में 4-5 बार नहाया जा रहा है, और उसके अलावा बोरिंग बोरवेल्स ये फालतू में चलते रहते हैं, जब काम में नहीं आ रहे तब भी चल रहे हैं। इससे बहुत सारी चीजों का लॉस हो रहा है, हमारी कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे पेट्रोल डीजल या इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट हो रहा है, इसके अलावा वाटर जो हमारी सबसे बड़ी नेसेसिटी है उसका भी वेस्ट हो रहा है। इस वेस्ट को रोकने के लिए बचाने के लिए थोड़ी सी जागरूकता जरूरी है, आपको ध्यान रखना होगा हम कोई भी टैप नल खुला ना छोड़ें, उसके अलावा हमेशा ध्यान दें कि हम किसी भी तरह से पानी को वेस्ट ना करें। अब वाटर की अवेलेबिलिटी देखिए, वाटर अवेलेबल है थ्री फॉर्म में, पहले गैसेस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में कैसे है वो वाटर वेपर के थ्रू, सेकेंड है हमारा लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कैसे है वाटर को लिक्विड फॉर्म में होता है नॉर्मल, अगर जो आइस रिवर्स लेक्स इन जगहों पर जो है ये वाटर कैसे फॉर्म में है लिक्विड फॉर्म में। थर्ड है हमारा सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में कैसे आता है आइस के अंदर, सॉलिड फॉर्म में कैसे अवेलेबल है वो आइस की फॉर्म। इन तीन फॉर्म्स में वाटर अवेलेबल है हमारे अर्थ पर, गैसेस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में एंड सॉलिड फॉर्म। अब देखिए वाटर हमारे बेसिक डे टू डे नेसेसिटी के अलावा भी बहुत सारी चीजों में काम करता है, कपड़े बनाने में, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स बनाने में, उसके अलावा प्लांट्स को भी पानी चाहिए। ठीक है, हम तो उसे नहाने और खाना बनाने और पीने इन सब चीजों में लेते हैं, इसके अलावा बाकी लोग बाकी जीव जंतुओं को बर्ड्स को एनिमल्स को इनको भी वाटर की नीड होती है। ठीक है, इसके अलावा दवाइयां, पेपर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कपड़े और बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट हर चीज में वाटर का यूज होता ही है किसी ना किसी तरह। तो वाटर एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जिसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी वाटर से करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हम बना रहे हैं बिजली कैसे बनती है वाटर के थ्रू, तो वाटर हर तरह से हमारे काम आ रहा है। अब देखिए वाटर यूजेज एंड इट्स स्केर्सिटी, पानी का इस्तेमाल और इसकी कमी। अब हम जानेंगे कि किस तरह से इम्पोर्टेंट है पानी की।
भर जाती है, आराम से भर जाती है, सुबह भी भर जाती है, ठीक है। लेकिन लेट्स से 20 लीटर्स वेस्ट हो रहा है पर बार जब हम 8 लीटर पानी प्योरीफाई करते हैं, इससे क्या हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है। हर घर में आ रहा है ना, हर घर में आ रहा है, तो हर घर के हिसाब से हम देखिए दिन में 2 बार 8 लीटर की टंकी भरते हैं, तो 40 लीटर पानी डेली वेस्ट हो रहा है हर घर में। क्या ये एक सही काउंट है, क्या ये सही तरीका है, वाटर को बर्बाद कर रहे हैं हम? लेट्स सेव इट, नीचे एक बाल्टी लगाएं, पाइप को उसमें डालें, वाटर को स्टोर करें, इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं। देखिए उसे नहाना नहीं है, उससे उसे पेड़ में नहीं डालना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा केमिकल से भरा हुआ हो सकता है, तो हम उसे कुछ एक्स्ट्रा यूज में ले सकते हैं, जैसे कपड़े धोने के लिए और फर्श साफ करने के लिए, कुछ चीज धोनी हो, गाड़ी धोनी हो आपको, आपको कोई और काम हो ऐसा जिसमें कि जिससे कि नुकसान ना हो आपके उस खराब वाटर की वजह से, लेकिन उसका यूज भी हो, स्पेशली पोछा लगाने के लिए और कपड़े धोने के लिए, तो वो वाटर ठीक है। ओके, देखिए हर चीज में जरूरत है हमें वाटर की। वाटर हमारे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए चाहिए, हमारे खुद के यूज के लिए चाहिए, और अभी अभी हमने बात की कल्टीवेशन के अलावा किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए भी हमें वाटर की नीड लगती है। अब जब हम वाटर को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इतना ज्यादा यूजेज है उसका, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम उसे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी उसके यूज को मॉनिटर करना होगा कि किस तरह से वो इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी कितनी कमी है हमारे यहाँ। अगर यहाँ कमी है तो हम उसे अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। ओके, द स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई। ये सारी जगहों का जिनका मैंने नाम लिया, वहां पर फ्रेश वाटर की शॉर्टेज है। ऑस्ट्रेलिया में तो पूरी जगह पर ही फ्रेश वाटर की शॉर्टेज है, पानी इतना कम हो गया है, पानी इतना कम है कि वहां पर फ्रेश वाटर मिलना मुश्किल है, ठीक है। वहां पर सबको बिस्लेरी की बॉटल्स खरीदनी पड़ती है, जो भी काफी कॉस्टली आती है, ठीक है। ओके, तो ये कंट्री जो है वो ड्रॉट प्रोन एरिया में, मतलब यहाँ पर बारिश होती है कम और पानी का इस्तेमाल उतना ही होता है जितने लोग हैं, तो वहां बारिश नहीं होगी तो पानी भरेगा ही ना, ग्राउंड में भरेगा ना, रिवर्स में आएगा, कुछ भी चीज सुचारू रूप से नहीं चलेगी, तो क्या होगा, ड्रॉट प्रोन हो जाएगा, अकाल वाला क्षेत्र हो जाएगा, वहां पर पानी की जल्दी कमी, ठीक है। ओके, द इकोनॉमिक फैक्टर लाइक द कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग वाटर इज टू एक्ट अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया एंड अफ्रीका, विलेज पीपल हैव टू वॉक माइल्स टू गेट वाटर। अब देखिए हम सब जानते हैं कितनी ज्यादा पानी की कमी जब हो जाती है तो हमें दूर दराज से कहीं से पानी ले जाना पड़ता है। पहले तो क्या होता था, औरतें जाती थी मटकी ले लेकर के और बड़ी दूर से 2-3 किलोमीटर दूर से पानी भर के 2-3 मटकों को लेकर के घर वापस आती थी ताकि घर में पानी रहे। और अब क्या है, गाड़ियां आ गई है, पाइपलाइंस आ गई है, तो हमें ये सब चीजें बहुत आसान लगती है कि पानी तो आएगा, यूज करो जितना मन करे। लेकिन ऐसा नहीं है, उनसे पूछे जिन्होंने कभी भी जीवन में पानी लाने के लिए इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वो 4-4 किलोमीटर की दूरी नापी है जिन्होंने जस्ट टू गेट सम वाटर, 1-2 मिनट का पानी के लिए, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन। अब पानी को बचाना कैसे, बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से आप जो कर सकते हैं वो आप जरूर करें। सबसे पहली चीज, यूज लिमिटेड वाटर, जितना चाहिए उतना ही यूज करें, फालतू फैलाना बिल्कुल बंद। एक्स्ट्रा में नहाना और एक्स्ट्रा में पानी ऐसे चलते छोड़ देना, यूज करना यूज करने के बाद, और ड्यूरिंग द यूजेज जब आप टैप को यूज कर रहे हैं तब भी अगर आप हाथ अपने साफ
शॉवर से नहाते हैं और उसे बकेट से नहाना शुरू करते हैं। उसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये आप नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारी चीजें कर रही है। वैसे तो अपन भी कर सकते हैं, अगर जो जब शुरुआत में बारिश होना शुरू होती है तब हम क्या करें, छत को पूरा क्लीन कर दें, ठीक है, छत को बिल्कुल साफ कर दें। उसके बाद क्या होता है, जो पाइप्स होते हैं जहां से पानी बाहर निकलता है, नदी का जो बारिश का सारा पानी है वहां से बाहर निकल रहा है, वहां पर हम एक पाइप लगा दें और उस पाइप को हम हमारे स्टोरेज वाले वाटर टैंक में डाल दें या फिर किसी भी डंपिंग में भी डाल दें। वहां पर क्या होगा, ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा वाटर की नीड नहीं रखते, जिन्हें वाटर कम चाहिए, ठीक है, जो मॉइस्ट एरिया है वहां पर ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जो नॉर्मल मॉइस्ट टेम्परेचर को सह लेते हैं, ठीक है, और जो बहुत ज्यादा रेनी एरिया है वहां पर ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जिनकी वाटर की नीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आप देखिए इसके अलावा जैसे कि हमारे ओशन के पास वाला जो बेल्ट है, ठीक है, जैसे कि मुंबई के आसपास, केरला के आसपास, यहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया हो जाता है, ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ पर क्या होता है,
फॉरेस्ट होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं या फिर सेमी एवरग्रीन जो कुछ टाइम के लिए हरे भरे रहते हैं और फिर ऑटम वगैरह में थोड़े बहुत पतझड़ वगैरह झेलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, इसके अलावा डेसिडस फॉरेस्ट होते हैं, कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं और टेम्परेट वेजिटेशन। टेम्परेट वेजिटेशन देखिए क्या होता है, हमारा जो ऊपर हिमाचल और उत्तराखंड साइड एरिया है वहां पर हम टेम्परेट वेजिटेशन देखते हैं, वहां पर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एरिया वेजिटेशन होता है या फिर प्लांट्स का ग्रोथ होता है। इसके अलावा जो हमारे राजस्थान वाले एरिया है वहां पर हम कैसा वेजिटेशन देखते हैं, ड्राई वेजिटेशन, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पर राजस्थान गुजरात इन जगहों पे ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें कैसे पेड़ होते हैं जो या तो कांटे वाले होते हैं या फिर जिनके रूट बहुत ज्यादा लॉन्ग तक जा सकती है इन सर्च ऑफ वाटर, अंडरग्राउंड में बहुत ज्यादा दूर तक वो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा गुजरात में भी सेम टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, और इसके अलावा कॉनिफरस फॉरेस्ट भी होते हैं हमारे पास जो कि हमारे ओशंस के पास में ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो ठंडी जगह है कोल्ड एरिया है जैसे कि कश्मीर हो गया, यहाँ पर फॉरेस्ट कम होते हैं, पेड़ पौधे कम होते हैं क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाते, और अगर वहां पेड़ पौधे मिलेंगे भी कोई प्लांट्स मिलेंगे भी तो उनकी लीव्स क्या होती है बहुत छोटी छोटी होती है ताकि वो बर्फ को अपने ऊपर से नीचे धके सके, और हमेशा स्लोपी फॉर्म में होते हैं वहां पर पेड़ इस तरह से। ठीक है, तो अगर बर्फ